नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के सीकर में, दर्दनाक हादसा। आगे चल रहे ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 7 लोग कार में जिंदा जले। पुल पर तेज रफ्तार कार अपने आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, टक्कर के साथ ही कार में आग लग गई। कार सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। सीकर जिले के फतेहपुर सेकावटी में आशीर्वाद चौराहे के पास स्थित पुल पर रविवार दोपहर कार और ट्रक की टक्कर में कार सवार 7 लोग जिंदा जल गए। कार में 2 बच्चे और 3 महिलाओं सहित 7 लोग सवार थे। जानकारी के अनुसार पुल पर कार अपने आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद कार में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार में सवार लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। पुलिस उपाध्यक्ष फतेहपुर सर्किल राम प्रताप बिश्नोई ने बताया कि कार सवार सभी लोग उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे। सालासर बालाजी मंदिर में हिसार जा रहे थे, इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कार सवार मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। मौके पर मौजूद फतेहपुर सेकावटी पुलिस मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यूज।